देखो आप ये दोनों ही सो गए हैं, मैं चली हुई हूँ। इन्होंने भी सर रखे, सुबह बहुत जल्दी उठे थे तो ये भी सो गए हैं। और इधर ये भी दोनों बाप बेटी सोने में लगी हुई है। अकेले इसे भी संभाल रही हूँ, ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ, मल्टी टैलेंटेड। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टीशा जा रही है घूमी घूमी और गाड़ी मेरी निकल चुकी है। धनु है तैयार, बसंती बैठेगी और पीछा भी साथ में बैठेगी। ये चलते हैं, देखते हैं आज का सफर कहाँ तक जाता है। हम लोग आ गए हैं पीछा को रूटीन चेकअप कराने के लिए। ये हमारे फ्रेंड ने सजेस्ट करा था। छान मारा, उसके बाद हम मैंने इन्हें बोला कैब से चलते हैं, लेकिन नहीं, बाइक से चलते हैं। छोटी बच्ची को लेके मुझे बाइक से आने में इतना डर लगता है, लेकिन ये सुनते कहाँ है मेरी, कभी नहीं सुनते हैं। और कभी भी मैं बता रही हूँ कि इधर चल रहा है इधर चल रहा है, मेरी तो सुनते ही नहीं। कभी बोल दिया करो आप लोग, कभी मेरा भी सुन ले। अरे एक्चुअली मैं क्या, मैं ना काम कर रखा हूँ इधर थोड़ा, इसलिए भूल गया। गूगल मैप भी निकालना है, मैं खुद ही सर्च करूंगा। बस करो ना, ठीक है। आ गए हैं डॉक्टर से दिखाने के लिए प्रिशा रानी को, और इसका जो है क्लिनिक बहुत ही प्यारा अच्छा बना रखा है। मैंने कर लिया कैश विड्रॉल और अब मैं जा रहा हूँ बुढ़िया रानी से मिलने। बुढ़िया रानी को कहीं पे मैंने छोड़ रखा है कि वो एक जगह बैठ करके, तब तक मैंने कहा कि सुविधा को उनकी फीट वगैरह उसे करा दे, और मैंने कहा कि पैसे वैसे थोड़े साथ में होने चाहिए, बीवी है साथ में, तो कब डायपर खरीदना पड़ जाए, कब क्या खरीदना पड़ जाए कुछ पता नहीं। डायपर तो मैंने से वैसे ही हमने लिया हुआ एक, तो फिर भी हमने कहा कि थोड़ी कैश कैश होने चाहिए, वैसे कार्ड पेटीएम का जमाना है। बहुत ज़्यादा धूप निकल रही है, सो ज़्यादा ठंड लगेगी। सुबह सुबह तो ठंड थी, बट इस टाइम पे धूप बहुत ज़्यादा है। मेरे पीछे से बोल रहे मास्क तो खोल लो, कौन पहचानेगा तुम्हें, आँख से भी तो पहचान सकते हैं। अरे कैब बुक की हूँ, कैब वाला अभी 2 मिनट लगेगा आने में। ये है रोड साइड रोमियो, और रोमियो जी खरीद रही है सामान, देख लो कहाँ पे खरीद रही है। ओ ब्रांडेड, ये देखो रोड साइड रोमियो पे देखो ये कहाँ खरीद रही है। अरे वो खरीद रही है यहाँ मुझे। जहाँ देखो एसेसरीज खरीदती रहती है, भर भर के पूरा, तो उसका बक्सा भरा पड़ा है, वो बॉक्स है इसका। और फिर भी ये देखो यहाँ दिख गया, यही पे लेना, ये पेटीएम मैडम का चालू है। मैं और लेखविंदर यहाँ पे पानी पूरी खाने की सोच रहे हैं, और उधर मैडम जो है अपना ज्वेलरी शॉपिंग हो गया कान का। ये पानी पूरी पार्टी चल रही है मैडम की और लेखविंदर की, पानी पूरी पार्टी की। जहाँ पानी पूरी दिख जाए वहीं चप दबाना शुरू। अब मैं और प्रसाद मुंह देख रहे हैं। आपने कुछ नहीं खाना, आपने खाना नहीं है। मम्मा को देखो दे दना दना अकेले अकेले दबाई जा रही है। तुम्हारे भी मुझे पानी आ रहा होगा। ये बहुत अच्छा बना दिया, अच्छा है, टेस्टी है। जिस किसी को भी खाना हो भाई साहब की रेडी पे आना है। पीपल का पेड़ इनका चुनाव चिन्ह है, और निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन पीछे है। अरे वो एक सेकंड भैया भैया भैया, एक मिनट रुकना। क्या हुआ? तो गिम्बल रह गया वहीं लगा। अरे दे दे दे, सूट नहीं हुआ गिम्बल, मैं गिम्बल भूल गया पानी पूरी वाले पास। आज मेरा वीडियो शूट हो जाता बढ़िया से। पहले हम लोग अकेले अकेले जाते थे घूमने के लिए, अब तिकेले हो गए दुकेले से। दुकेले जैसे होता है तिकेले, हाँ दुकेले का तिकेले हो गए। तो अब ये पीछा भी जा रही है घूमी घूमी, और आज क्या क्या करेगी पीछा, डॉक्टर से भी दिखवा लिया दिशा ने। आज की डैडी छुट्टी पे है, कल हम लोगों को तैयार करके घर में ऐसे छोड़ दिया था इन्होंने, तो इस वजह से आज हम लोग पूरी निकाल रहे हैं। घूमने क्या, मैं कल ही लेके जाने वाला था, लेकिन ये खुद तो तैयार होकर के ठीक है तुम रही है, लेकिन मुझे क्या पता है मेरा ऑफ कैंसिल हो जाए। एक स्टाफ था उसकी मदर का एकदम से सडनली तबियत खराब हो गया, और ऑपरेशन के लिए उसको अंदर दे, ऑपरेशन की भी नौबत आगे बेचारे की, तो अब क्या कर सकते हैं। स्टाफ का मदर का ऑपरेशन देखो या फिर ये, ठीक है बेबी को हम कल भी आज भी लेकर के आ गए। और पहले तो कभी भी ऐसे बोलती थी घूमने, तो स्पेशली छुट्टी करके जाते थे, और जब से अब बेबी हुई है तब से इन्हें 4 बारी बोलना पड़ता है, चलो चलो चलो, कोई भी नहीं होता है। देख लो हर किसी का अपना अपना प्रॉब्लम है, शिकायतें ऐसी ही चलती रही, यही तो है प्यार है, शिकायतें होगी जब, तो थोड़ा सा नोक जोक होते रहना चाहिए।
इतनी मोटी हूँ मैं, गुंबद जैसी, गुंबद जैसी मुर्गी है। और कौन सा थ्री हो गई थी, टू एक्सल हो गई थी, डबल टू एक्स हो गई थी। और अब जो है सो फिर धीरे 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 बैकअप चल रहा है, कर रही है, बैक कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही हूँ मैं, अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है। ये कुछ नहीं कर रही है, अपने आप हो रहा है, बस मेरे पे कस के चिल्लाती रहती है, खून जलाती रहती है अपना। मैं तो वही है, ईशा बेटा है ना मेरा, अभी ईशा बेटा अकेली है, ये भी है काम का। तो ये देखो आप, ये दोनों ही सो गए हैं, मैं चली हुई हूँ, इन्होंने भी सर रखे, सुबह बहुत जल्दी उठे थे, ये भी सो गए और इधर ये भी, दोनों बाप बेटी सोने लग गई है। अकेले से भी संभाल रही हूँ, ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ, मल्टी टैलेंटेड। थोड़ी देर आंख बंद करने का मतलब सोना नहीं होता मैडम, इसे कहते हैं जागते जागते सोना। किसका नींद है ये? उल्लू वाला नींद है, चीटी वाली। अच्छा चीटी वाली नींद है, ऋषा को बोलती हूँ मैं, चीटी वाली नींद होती है, तुरंत उठ जाती है, गोद में सोती है और रखते ही उठ जाती है, और फिर उठते ही फिर उसको फिर चाहिए गोद में ऊपर जाना है। और ये कहा की है, ये चलता फिरता, ये क्या कब कब, ये चलते फिरते खरीद लेती है जब मर्जी, कान का पता है हमारे कपड़ों का। एक बार बताओ, मैंने कब से पता नहीं था, वहाँ पे वो हुप्स रखता है, वो भैया आते हैं, मैं उसी से लेती हूँ हुप्स, वो सही देता है और उसका सही होता भी है, बोलने के लिए ब्रांड 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 कुछ नहीं होता है, ये ईयरिंग्स वगैरह ठीक है। सड़क किनारे से खरीदने में मजा है, सुकून मिलता है। हाँ तो मतलब क्या है, तुम ना ज्यादा मत, नहीं मैं वो कहा कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे देखो एक टीचर पहन लिया, इसी से बोला था मैंने, हुप्स ला देना, तो तुमने बोला कि कहाँ मिलता है, मेरे से नहीं होगा, क्या लगा वहाँ गई देखा हुप्स ठीक है उठा ली हो गई। हम लोग ये एक टी शर्ट पहन लो, जीन्स पहन लो, बहुत से बहुत शूज मैचिंग के पहन लो, वॉच पहन लो, तुम लोगों के तो पता नहीं, मास्क भी मैचिंग करो, मास्क मैचिंग नहीं है, अभी खरीद रही थी लेकिन बोली कि मैं कैरी करूँ इनके कहाँ से, क्योंकि बैग में जगह छोटा सा मेरे पास लेकर के आई है, उसमें जगह है नहीं, इस वजह से मास्क नहीं खरीदा, मैं तो मास्क भी खरीद रही थी, कह रही थी लेके आना तीन चार मास्क, तीस रुपए की दे रहे हैं। और किसको जरूरत पड़ी है मास्क की, स्मिता के निकल जाती है वहाँ, मास्क की जरूरत है किसी, ठीक है ना, मेरे पास है, ड्यूटी जाना होता है तो डेली मेरी मास्क है। लेकिन मैचिंग का मास्क तुम पहनती हो, मैं थोड़ी ना, तो क्या हो गया पहनती हो, तो एक बार ये देखो ना कितने स्क्वायर पहनी है, मैथ में ज्यादा ही पढ़ लिया। पहले मैं ड्यूटी जाती थी तो मैं मतलब मास्क वगैरह लाते रहती थी, और अभी मेरा सारा मास्क उन्होंने खुद अपना कब्जा कर लिया है सब पे, और मुझे अभी सारा खराब हुआ जितना भी मास्क है वो पहन के आना पड़ता है, जब भी बाहर जाती हूँ तो बेकार वाला मास्क पहनना पड़ता है, अभी देखोगे आप इसमें भी गांठे लगा के पहनी हूँ, जब बाइक पे बैठी हूँ तो हवा में उड़ रहा था ये मास्क, फिर मैंने बोला अभी मेरे कहाँ से मास्क लूँ, अब इसमें मुझे गांठ मारना पड़ा, इतनी गरीबी आ गई। अबला नारी है ये, बहुत अबला नारी, इसके पास मास्क नहीं है, ये 20 रुपए का मास्क, मोदी जी ने बोला है कि स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, N95 भी है मेरे पास है, अरे वाह, हमारे और किसी के पास तो है ही नहीं, देखो N95 भैया ने, स्वदेशी है, स्वदेशी है भैया, भी खुश हो गए, स्वदेशी है, नहीं सर मेरे पास भी स्वदेशी ही है, N95 तो बस नाम का, एक छोटा सा मास्क खरीद देते हैं, अभी बच्चों के लिए नहीं है, अभी बच्चों को कोरोना क्या बोलेगा कि बच्चे हैं, छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं और क्या, माफ करते हैं, बच्ची है अभी, और क्या, सीपी आ गए, वाह व्हाइट व्हाइट पिलर दिखना शुरू, सीपी बहुत ज्यादा उदास क्यों दिखने लग गया, सही बात है यार, जब से कोविड हुआ है ना सीपी बहुत उदास हो गए, अरे यहाँ पे मुझे ना बैंक, ये रहा यूनियन बैंक, इसमें आना था मुझे, तो यूनियन बैंक एक काम करते हैं ना, उधर से आने का, तुम्हारे पास कुछ है नहीं क्या, क्यों मैंने मेल पे वो बैंक अकाउंट नंबर भेजा, आधार कार्ड में हार्ड कॉपी नहीं लाई, सॉफ्ट कॉपी है ना तुम्हारे पे, एक बार चले जाएंगे देख लेंगे, चेक करेंगे ना, हो जाएगा नहीं पूरी, इतने टाइम बाद मैंने पानी पूरी खाया और ऐसे सुकून मिला है, जब तक दिशा पेट में रही कभी पानी पूरी नहीं खाई, झूठ कितना बोल रही है, सफेद वाला वीडियो दे चेक कर लो, तुमने चौथे महीने में तुमने खाया है, अरे वीडियो को भी झुटला रही है, एक ही बार खाया, एक ही बार खाया ना, वो अच्छा नहीं था ना इसलिए याद नहीं है, ये वाले भैया से ही खाती हूँ, अच्छा जी ये वाले भैया से, ये कौन से रोड से जा रहे भैया हम लोग, हनुमान मंदिर वाली रोड से, महावीर मंदिर, तो महावीर मंदिर से होते हुए हम लोग पहुँच रहे हैं गुरुद्वारे के पास, ये रहा महावीर मंदिर, ये भी श्री गणेश जी मंदिर है, और यहाँ पे हनुमान मंदिर भी है, बहुत प्राचीन मंदिर है ये भी, तो सीपी आए तो यहाँ भी दर्शन करके जाए, सीपी बहुत अच्छा लगता था, मैं वैसे भी आती हूँ, सीपी ना सबको बचपन में अच्छा लगता है, मैं बचपन तो बचपन में आई तब भी तुम्हें अच्छा लगा, इसके लिए थैंक्स टू, बचपन की नहीं थी मैं, थैंक यू बोलो,
अंग्रेजों को जिन्होंने तुम्हारे लिए बनवाया। एक बात है, यहाँ सीपी इतनी बारी आया हूँ लेकिन भैया आज तक रास्ता नहीं पता चल पाया कौन सा रास्ता किधर जा रहा है। हर बार कंफ्यूज होता हूँ, गोल चक्कर पे कंफ्यूजन है, गोल चक्कर पे कंफ्यूजन है ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। यही पे ना, हाँ यही पे भैया रुक लेना साइड में, यही तो बस रुक तो जाओ। ईशा को ले लो, एक स्कार्फ दिलवा दो। तो स्कार्फ ले, कितने पैसे देने भैया को? 50 रुपीज देने। ले लो ले लो ले लो ले लो, 50 रुपए में ले लो ले लो ले। 50 रुपए की इसने स्टॉल लिया है। आज मेरा दिन ना बहुत सस्ते में निपट रहा है, जैसा स्टॉल इन ओनली 50 रुपीज। समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे शूट करना चाहिए या नहीं, बट थोड़ा सा मैंने कैमरा ऑन कर रखा है। ईशा जब भी कहीं जाती है सो ही जाती है, और मेरा शोल्डर दर्द होने लग गया इसे सुनाए हुए। सो रही है, यहाँ पे इसके नाम का अरदास करवाना है, अंदर अरदास करवाऊंगी, थक तो मैं जाती हूँ तुरंत, बहुत ज्यादा स्टेमिना डाउन हो गया मेरा। नितेश प्रशा को लेके आगे आगे जा रहे हैं और मैं पीछे पीछे। करवा लिया अरदास आपने? अरदास करवाया हमने, गुरुद्वारे आए थे बंगला साहब, ईशा ने अरदास करवा लिया अपना, अरदास करवाया इसने, ईशा का अरदास हो गया है और अब जा रहे हैं। साहब गुरुद्वारे आने का मतलब है कि सुकून, शांति और बहुत सारा प्यार मिलता है यहाँ पे। बाबा जी के यहाँ लोग बहुत ही श्रद्धापूर्ण यहाँ पे आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है मुझे। नितेश आगे आगे वक्त में जा रहे हो, मेरे साथ तो चलते ही नहीं हो तुम। आ जाओ मैं साथ में। अब मैं ये हटा सकती हूँ दुपट्टा? अभी ले यहाँ से। चलो तो कैसा लगा मैडम जी आपको यहाँ आके, कैसा लगा? थक गए? जाना पड़ेगा बिकॉज जो प्रिशा है इसे बहुत तेज की भूख लगी हुई है और इससे अब भूख कंट्रोल नहीं हो रहा है और बॉटल से ये पीती नहीं है, और यहाँ पे मैंने पूछा है तो कहीं पे फीडिंग करवाने के लिए कोई ऐसा स्पेस है नहीं जहाँ पे आप कंफर्टेबल होकर फीड करवा पाओ, तो इसलिए मम्मी के मम्मी को भी ऐसे ही होता है, भूख लगने के बाद ये भी ऐसी रोती है, एनर्जी डाउन हो गया। अब यहाँ पे फीड कराने के लिए कुछ मेरा अच्छा बना दिया, बहुत टाइम बाद हम लोग आए हैं, मतलब अच्छा पिछली बार हम लोग आए थे तो इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ऊपर नहीं आए ना। चलो घर चलते हैं, चलो चलो, नहीं नहीं पीछे घर चलते हैं, घर चलते हैं। कौन सा बॉटल है? दूध का बॉटल? बॉटल से पी नहीं रही है। कोशिश तो करते, कोशिश करते यहाँ पे रिलैक्स होकर आराम से कोशिश करते, रो रही है ना अभी। चलो बस अब हम 10 मिनट में घर पहुंच जाएंगे बेटा, और आपको दूध मिल जाएगा। इधर भी, इधर भी बाहर है ये, देखो इधर भी, देखो 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 देखो, कंट्री से बाहर भी वेदांता का भी होना तो है, वो भी बिहार से ही है। रामू काका भी बिहार से ही है। सही बात है, हर तरह के लोग बिहार से ही, बिहार से और ये बंगाल से है ना, मैं भी बिहार से
दिशा दिल्ली की है, दिशा दिल्ली की है। तो हम लोग आ गए घर, और घर आने के बाद पिशा सो गई है और उसकी मम्मा जो है कैमरा पकड़ के पीछे खड़ी है और मैं ब्लॉग को एंड करने के लिए तैयार हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आपसे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को देखते रहें और प्यार देते रहें।